चलिए बढ़ते हैं आगे। निकाय चुनाव से पहले उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस नेता मानते हैं कि इन चुनाव पर आरसीए विवाद का कोई असर नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस नेता विवेक बंसल मानते हैं कि जो बयानबाजी कांग्रेस नेता की तरफ से की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। वहीं निकाय चुनाव को टिकट बंटवारे पर कहा कि जो जिताऊ होगा उसे ही टिकट मिलेगा। आरसीए चुनाव के दौरान दिखी गुटबाजी का असर आगामी विधानसभा के उपचुनावों पर नहीं पड़ेगा, ये कहना है राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी विवेक बंसल का। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी रामेश्वर डूडी के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन ले सकती है, तो उन्होंने इस तरह की किसी भी जानकारी से इनकार किया है। देखिए, अभी मैं कुछ ऐसी इस चीज कहने में सक्षम नहीं हूँ। वो सब अभी सब लोग नेतागण सब चुनाव में सब व्यस्त हैं। उसके बाद जो भी राय बनेगी, जो भी सब लोग नेता लोगों को निर्णय करना है, हाईकमान को और संज्ञान लेना है, तो मुझे अभी इसके बारे में ना जानकारी है ना मैं अभी कुछ इस परिपेक्ष में कहने की स्थिति। वहीं महापौर और निकाय प्रमुख की चुनावी प्रणाली पर कहा कि इस बार फैसला सरकार को करना है। इस बारे में सभी पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों ने शांति धारीवाल की कमेटी को सुझाव दे दिए हैं। जयपुर में पार्षदों के टिकट वितरण के सवाल पर कहा कि निष्पक्ष छवि और जिताए उम्मीदवार पहले प्राथमिकता होगी। जो पार्षद नॉन परफॉर्मर रहे हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं। ना तो ये कह सकते कि वर्तमान पार्षदों को टिकट मिलना अनिवार्य है, ना ये कह सकते कि नहीं मिलेगा। जीत एक मापदंड होगा, जहाँ उनकी छवि, उन्होंने कैसा कार्य किया है पिछले अपने कार्यकाल में, जनता में उनकी स्वीकारता बढ़ी है या कम हुई है, जो एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, ये सब चीजें देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से विवेक बंसल के पास दो उपचुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से विवेक बंसल लगातार एक्टिव हैं। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी विवेक बंसल पार्टी नेता, मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने में जुटे हुए हैं। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर।